सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पर बने अस्थायी पुल को तोड़ने की हुई कार्यवाही, माइनिंग विभाग ने नहीं रखा ग्रामीणों का ख्याल। और बरसाना में राधा अष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट, बिना मास्क के मंदिर में नहीं होगा प्रवेश। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि एनएमसी के कोर्स में एथिक्स का पाठ भी जोड़ा जाएगा। मंत्री सारंग की माने तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि हमारे डॉक्टर्स को देश में जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। कोर्स में अरविंद चरक, स्वामी विवेकानंद, दीनदयाल उपाध्याय, बी आर अम्बेडकर का पाठ प्रमुखता से पढ़ाया जाएगा। इसी दौरान सारंग का कहना था कि जब महापुरुषों को आगे बढ़ाने की बात होती है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। आइए आपको सुनाते हैं सारंग का ये बड़ा बयान। देखिए, एनएमसी के फाउंडेशन कोर्स में एथिक्स का पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की विरासत, इस देश के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो महापुरुष जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण रखने के लिए भी अपनी ज़िंदगी लगाई, उन्हें हम आगे आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि इस देश के समाज का यदि उचित निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू और मूल्य आधारित नागरिकों का निर्माण करना होगा। देवास जिले में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर है। इसी अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सीहोर माइनिंग विभाग इन दिनों पावर मेक रेत कंपनी की कठपुतली बनकर सरकारी रास्तों पर बने पुल पुलिया को तोड़ने का काम कर रहा है। जिले की ककेड़ी नदी पर बने अस्थायी पुल को पोकलेन की मदद से तोड़ने की कार्यवाही की गई, लेकिन इस दौरान ये सामने आया कि अधिकारी ये भी भूल गए कि इन रास्तों से सिर्फ अवैध परिवहन नहीं होता बल्कि बच्चे पढ़ाई के लिए छिपानेर भी जाते हैं। दरअसल ये रास्ता छिपानेर की ओर जाता है। इस रास्ते से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा मिलती है, यहाँ तक कि एजुकेशन के लिए भी यही रास्ता है जो गांव को जोड़ता है। किसान अपने खेत जाते हैं इसी रास्ते के जरिए, ग्रामीण मार्केट जाते हैं, लेकिन विभाग ने इन सब बातों को अनदेखा करते हुए पुल तोड़ दिया। देखने में आया कि विभाग के अधिकारियों ने सरपंच सहित अन्य किसी भी जनप्रतिनिधि से बात ही नहीं की। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सीहोर माइनिंग विभाग वैधानिक और अवैधानिक के बीच का फर्क भी भूल चुका है। ये लगातार छिपानेर से अवैध उत्खनन होकर के रेत का ट्रालियों या अन्य साधनों से परिवहन होकर के इस पुल से होकर के देवास या अन्य स्थानों पर जा रही थी रेत, चूँकि वो सारी अवैध उत्खनन के फलस्वरूप ही निकल करके आई है, इसलिए इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाए जिससे कि अवैध उत्खनन को और बढ़ावा ना हो मिले। इस कारण से उसको आज संयुक्त रूप से राजस्व पुलिस की टीम के द्वारा के माध्यम से, माइनिंग टीम भी थी, तो इसको तोड़ा गया है। बदनावर की ग्राम पंचायत तिलगारा में इन दिनों डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। यहाँ भारी संख्या में डेंगू के मरीज हैं जिनका गांव के निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। कुछ गंभीर मरीजों को इंदौर, रतलाम और बड़े शहरों में रेफर किया गया। बता दें, इतना कुछ होने के बाद भी ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्मल ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ने ना तो यहाँ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया है, ना ही धुआं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लंबे वक्त से सफाई तक नहीं हो रही, जिसके चलते पूरी तरफ गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में जरूरी है कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे और बढ़ते डेंगू को काबू में लाने के लिए सफाई रखना भी एक बेहद अहम योगदान देता है। नटखट कान्हा के जन्मोत्सव के 15 दिन बाद बरसाना में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल 13 और 14 सितंबर को बरसाना में राधा अष्टमी की
राधाष्टमी महोत्सव है, इसका आयोजन होगा, जिसकी तैयारी के लिए पुलिस प्रशासन अभी से जुट चुकी है। उन्होंने अपनी प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। गौरतलब है राधा जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बरसाना पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर SDM और CO ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, बिना अनुमति के मेला क्षेत्र में भंडारा नहीं होगा, साथ ही भीड़ का दबाव ना बने इसके लिए श्रद्धालुओं को राधा जन्म के लाइव दर्शन भी कराए जाएंगे। मीटिंग आज मेले की यहाँ पे की गई है, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, उनको एक टाइमलाइन दे दी है कि जो उनसे संबंधित काम है वो उस टाइम पे अपना देख के सही से देख के पूर्ण कराएं। इसके बाद 7 तारीख को DM साहब की अध्यक्षता में जिले पे बैठक है, तो उसमें इनसे जानकारी ली जाएगी कि इनके कामों की क्या स्थिति है। देखिए, जो पूर्व में परंपरागत व्यवस्थाएं रही हैं उन्हें तो हम रखेंगे ही, इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा SHO के साथ चौकी इंचार्ज के साथ जाकर उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। हमने उसमें और कुछ सुधार की संभावनाएं देखी हैं, उन पर भी हम लोग अपना पुलिस बल तैनात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मेला हमारा सफल संपन्न हो। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं देश और प्रदेश की खबरों से अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।